भाई लाहौर तो हमने बहुत घूम लिया और बहुत देख लिया, तो क्यों ना आप डेवो से ट्रेवल करके हम इस्लामाबाद घूमें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी को जरूर दबाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत बहुत खुश होंगे। तो यहाँ हम आ चुके हैं डेवो स्टेशन, जो कि हमें जाना है लाहौर से इस्लामाबाद। और यहाँ पे मुझे इतनी भूख लगी हुई थी सुबह सुबह, क्योंकि मैं कुछ खाकर निकली नहीं थी। जल्दी जल्दी में मैं कुछ खाने ही भूल गई और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है डेवो का, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से सब कुछ ले लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह परचेज़ की थी। अगर इतना डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 50 वाले लेस लेने हैं तो वो यहाँ पे आपको 150 के मिलेंगे, ऐसा वाला डिफरेंस था। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे नाश्ता वगैरह लिया अपने लिए और उसको मैं ठूसती गई। फिर उसके बाद हम अपना बस का वेट कर रहे थे, तकरीबन हमें 10-15 मिनट हमने वेट किया। उसके बाद हमारी जो है वो डाइवो आ चुकी थी और यहाँ पर सब अपना लगेज जो था वो रखवा रहे थे, तो हमने भी अपना लगेज जो है वो सेव करवाया। सेव करवाने के लिए सब लोग को उन्होंने वो चिट्स वगैरह दी थी नंबर के हिसाब से, कि एक लगेज पे आपके नंबर होता है और बाकी आपके हाथ में होता है वो। फिर उसके बाद हम जो थे वो डाइवो के अंदर जा रहे थे। आप अपना टिकट चेक करवा के फिर आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब सुकून वाला माहौल था कि बंदे को नींद आ जाए, क्योंकि मैं अपने जितने भी मैंने ट्रैवल ब्लॉग किए मैं ज़्यादातर रात में सोई नहीं थी, तो इसलिए मैं अपनी नींदें मैंने रास्ते में पूरी की है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ देख रही थी, लोग आ रहे थे और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब सब लोग बैठेंगे और फिर उसके बाद हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना मेरे मुँह के आगे बिल्कुल ही कुछ रखा हुआ था, तो मैं चेक कर रही थी। मैंने बोला चलो ज़रा चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। तो वो एक्चुअली सीन ये था कि ये सारी चीज़ें चेक करना अलाउ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ज़रा शुगर लगाने के लिए मैंने देख लिया था फिर भी। तो फिर उसके बाद हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और यहाँ से हम जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकले थे। रास्ते में इतना प्यारा व्यू आ रहा था। आधा रास्ता मेरा सोकर गुजरा था और आधा रास्ता मैंने व्यू इन्जॉय किया था। यहाँ से चेक पोस्ट से निकलने के बाद हमने जो है हम वो बीच में एटलीस्ट एक ही आया था हमारा मोटरवे, तो हमने वहाँ पे हम रुके थे, हमने वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया था। इस टाइम पे मैं जो है वो व्यू एंजॉय कर रही थी और उसके बाद आगे आप देखेंगे मैं सो रही थी। अच्छा, मुझे जो सीट मिली थी वो ये वाला सीन था कि बस हॉस्टेस जो थी वो मेरे बराबर में थी, तो इसलिए, लेकिन मैंने फिर भी उनसे भी मैंने इतनी बातें की क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी बोलने की बहुत आदत है, अच्छा बोलती हूँ, ऐसे वाली बात नहीं है। इन्जॉय कर रही थी मैं रास्ते में, खुद भी कर रही थी दूसरों को भी करवा रही थी। और हमें फिर यहाँ से उनकी तरफ से लंच मिला जो कि रिफ़्रेशमेंट ही था, सिर्फ लंच नहीं था, तो वो मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम मोटरवे पे उतरे थे, कुछ लोग फ्रेश होना था, किसी को भूख लग रही थी तो खाना पीना करना था। मैंने यहाँ से भरपूर खाना पीना किया क्योंकि खाने के बगैर तो गुजारा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने खाया पिया, फ्रेश हुए, पिक्चर्स वगैरह क्लिक की जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी हैं। अच्छा, अगर आपने खाना खाना है ना तो आप लोगों को सुल्तानी डेरा यहाँ का खाना बहुत अच्छा मिलेगा। इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा आप लोगों को मतलब कि कराची का खाना मिलता है, लेकिन अगर आपने खाना खाना है, आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी और फ्लेवरफुल खाना खाना है, तो सुल्तानी डेरे का खाना अच्छा है, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए आपको 2 घंटे का रास्ता होता है एटलीस्ट, तो उसमें आपको ये अच्छा वाला यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से खाना खा सकते हैं। टेक अवे भी हो सकता है, डाइन इन भी हो सकता है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत महंगे नहीं है, है महंगे एक्सपेंसिव है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर मैं अम्मी का वेट कर रही थी, अम्मी फ्रेश हो रही थी, फिर दोबारा हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया और यहाँ पर इतना प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था। और अब आप लोग व्यू एंजॉय करिए, तब तक मैं थोड़ा खामोश हो जाती हूँ।
और फाइनली यहाँ हम आ चुके हैं लाहौर में, जहाँ पे हम अपना वेट कर रहे थे। हमारे हमें कार ने लेना आना था तो हम उसका वेट कर रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ से अपना लगेज जो है वो लिया और फिर उसके बाद हम कार चेक कर रहे थे कि हमने कौन सी कार में जाना है। और आपने मेरी आवाज़ बिल्कुल इग्नोर करनी है क्योंकि तबीयत इज़ नॉट सो वेल। तो अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेडिसिन वगैरह चल रही हैं तो इसलिए। और फिर हम यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमने कौन सी कार में जाना है, फिर हम यहाँ पे कार में बैठे और फाइनली हम इस्लामाबाद पहुँच गए। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा, मैं और अम्मी हम आगे बैठ रहे थे, फिर उसके बाद आगे नहीं बैठ रहे थे मतलब पीछे ही बैठ रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि अभी आपने बस इससे पहले जो देखा उसमें मैं बस में बिल्कुल सोती हुई जा रही थी, लास्ट में सो रही थी। अम्मी ने मुझे उठाया था, उन्होंने बताया था कि हम पहुँच गए। फिर यहाँ पर मैं अपने हाथों को देख रही थी और कलर इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने अपना रास्ता जो है वो सोते हुए गुजारा और रास्ते में बारिश मिल जाए तो क्या ही बात हुई। मुझे बारिश इतनी पसंद है और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश होती है। जिस टाइम पर हम यहाँ पर थे उस टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। अच्छा, मुझे बारिश वारिश से कोई डर नहीं लगता। यहाँ पे हम जो थे वो हम पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर रुके थे और ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी तेज़ बारिश थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम अपने प्लेस पर पहुँचे और फिर वहाँ पर हमने रेस्ट वगैरह किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक दिन हमने रेस्ट किया, दूसरे दिन हम फिर यहाँ पर निकल गए थे। ये है डे टू, जो हम इस्लामाबाद का सदर बाज़ार था, हमने वो यहाँ पे चेकआउट करना था कि कैसा बाज़ार है। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँचे थे रावलपिंडी में, हमने बाज़ार चेक करना था। मैं सारा घूम रही थी, देख रही थी। अच्छा, मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ के इवन यहाँ के रोड्स भी बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे जैसे कराची में अगर बारिश होती है तो बेहाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बारिश होने के 5 मिनट बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे बारिश हुई थी। वेदर वो सो गुड। मेरा अभी भी मेरा दिल चाह रहा है बस मैं वहाँ पर चली जाऊँ वापस। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमें कोई अच्छी सी शॉप मिल जाए जहाँ से हम जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। और फिर अच्छा, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, मैंने जितना अपना ट्रैवल किया उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। एज़ कम्पेयर टू कराची आपको इतनी वैरायटी मिलती नहीं है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी मैंने सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। और मेरे साथ आगे चल के ना मेरे मोबाइल के साथ हादसा भी पेश आया था, मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ था और मैंने आगे का ट्रैवल जो है वो कैसे शूट किया और कैसे नहीं शूट हुआ, वो सब मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है क्या, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव कि अगर आप वो चीज़ें कराची में भी ले लें तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको वो सारी चीज़ें कराची से मिल सकती हैं जो यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव आपको चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए अगर आपने शॉपिंग के माइंड से जाना है यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें फजूल हैं। वो कुछ स्पेसिफिक शॉप्स होती हैं जिसमें आप रिसर्च करके जस्ट आप शॉपिंग के लिए ही जाते हैं तो वहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, वरना जितने भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपनी जगह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे घूमते घुमाते हमें अच्छी सी कोई शॉप तो मिली नहीं थी, लेकिन मुझे लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि हम कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। यहाँ पे मुझे बड़े इंटरेस्टिंग से और टेम्पटिंग से देखने में पराठे बन रहे थे, बिल्कुल ये आँखों वाला शेप था, आई शेप के पराठे थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम यहाँ पर नाश्ता कर लें। हालाँकि बारिश हो रही थी, मौसम इतना मज़ेदार था तो चाय ना पी जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पर अच्छा लोकल रेस्टोरेंट इन सदर बाज़ार, तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे और हमने अपना नाश्ता वगैरह जो था वो ऑर्डर किया था। पर टी कप हमें मिला था 150 के अराउंड, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और जो हमने पराठा ऑर्डर किया था, ये पराठा इतना कुछ मज़ेदार था नहीं जितना कि दिख रहा था, लेकिन ये पराठा जो था वो एक पराठा आपको 250 रुपये का मिलेगा, जो कि हम कराची में अगर हम कोई पराठा ऑर्डर करते हैं जैसे बोट बेसिन वगैरह वाली जगहें होती हैं इन पर चिकन चीज़ पराठे जो होते हैं ये सारे पराठे मिलते हैं 250, 300, 400 ऐसे वाले पराठे मिलते हैं ये वाले जिसमें फिल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे आलू का पराठा था और इसकी डो जो थी ना वो इतनी ज़्यादा मोटी थी, जो कि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया कि अगर आप इसको जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए खाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपका जो टेस्ट बड्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो इसलिए मुझे यहाँ का नाश्ता तो इतना कुछ पसंद आया नहीं। यहाँ का क्या, मुझे ज़्यादातर मुझे कहीं चीज़ जगह के खाने इतने पसंद आए नहीं, तो मैं उससे थोड़ा डिसअपॉइंट थी। और उसके बाद हम जो थे वो बाहर जा रहे थे क्योंकि हमने अभी तक शॉपिंग नहीं की थी। सबसे पहले मैं खाने के लिए कुछ एक्सप्लोर करके कि हमें कोई अच्छी सी शॉप मिल जाए, कोई मॉल मिल जाए,
लेकिन यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा मॉल कुछ समझ आए नहीं थे, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब दूसरों को समझ आते हुए लोगों को अच्छे लगते हों वो बात अलग है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे इतना कोई मॉल अच्छे लगे नहीं थे यहाँ के। फिर हमें नज़र आई $1 shop, जो कि मैंने एक्सप्लोर करनी थी कि यहाँ पे $1 shop जो होती हैं उसमें कैसी वैरायटी है। तो मैं एंटर हो गई थी, अच्छा यहाँ पे ना मुझे, मैंने आधी वीडियो शूट कर ली थी, उसके बाद मुझे बताया था कि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी खैर मैंने आधी तो वीडियो शूट कर ली थी, ऐसा होना चाहिए। ज़िद्दी डेट कहते हैं इसको, ज़िद्दी नहीं कहते। तो खैर यहाँ पे जो था वो अच्छा था, कि मतलब हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन वही बात, आपको वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। क्रॉकरी थी, और यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे क्रॉकरी थी, जो कि आपको जस्ट 190 rupees में यहाँ पे अवेलेबल थी। लेकिन जो क्रॉकरी आइटम्स थे, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि जो क्रॉकरी आइटम्स थे उनके प्राइस अलग थे, और कुछ आइटम्स जो थे उनके प्राइस जो थे वो 190 rupees थे। $1 shop में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा सीन था। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि हमारे यहाँ वॉशरूम्स जो होते हैं वो लोकल मार्केट्स में नहीं होते, लेकिन यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम जो था वो काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश हुए, उसके बाद हम निकले अपने प्लेस के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।